ये है क्या, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। इसमें तीन मेन फीचर हैं इनके, ठीक है। एक, जब थर्ड से फोर्थ जाओ वेंड्रल स्पाइन कम से कम होती जाएगी। थर्ड से आप फोर्थ जाओगे वेंड्रल स्पाइन थोड़ी कम होगी, और आप जैसे फोर्थ से फिफ्थ जाओगे वेंड्रल स्पाइन लगभग डिसअपियर हो जाएगी। ये सर्वाइकल थर्ड फोर्थ फिफ्थ का एक फीचर है, ठीक है। सेकेंड फीचर इनका ये है कि इनमें अगर तुम जैसे थर्ड में है लेटरल क्रस्ट, ठीक है, जो इन दोनों आर्टिकुलर प्रोसेस को जोड़ती है, ठीक है, वो मिड वे में जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और जो फोर्थ में है, फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे, ये थोड़ी ब्लंट टाइप है, ठीक है, जो दोनों को जोड़ती है। और आप फिफ्थ तक जाते जाते ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें, और इसमें क्या है कि आप डाउन द वर्टिब्रल कॉलम जाओगे तो वेंट्रल स्पाइन कम होती जाएगी, और अगर आप डाउन द वर्टिकल कॉलम जाओगे ऊपर वाली तरफ से तो लेटरल क्रस्ट बढ़ती जाएगी, लेटरल क्रस्ट इंक्रीज होती जाएगी और वेंट्रल स्पाइन कम होती जाएगी। और इसका थर्ड फीचर ये है कि जो फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, उसके फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम के नीचे एक डिप्रेशन था, ठीक है। ये फिफ्थ का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, ठीक है। और अगर जैसे ये थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा में पता करना है कौन सी, तो थर्ड में ये जो है लेटरल क्रस्ट एब्सेंट होती है और वेंट्रल स्पाइन ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी ब्लंट होती है, और मतलब इसमें मीडियम होती है, लेटरल क्रस्ट भी थोड़ी सी मीडियम होती है और वेंट्रल स्पाइन भी थोड़ी मीडियम होती है। और इसके लास्ट कोने में, ठीक है, लेटरल क्रस्ट फुल डेवलप होती है और वेंट्रल स्पाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है।